नमस्कार दोस्तों, कृष्णा यश के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे यूपीएससी 2020 में आए हुए कुछ प्रश्नों को, देखेंगे कि उसका आंसर कैसे हम लिख सकते हैं। राइट, तो आंसर राइटिंग एक कला है, इट इज़ ए स्किल, इट इज़ ए आर्ट। और एक जो सवाल होता है, खास करके एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में, मानव विज्ञान के संदर्भ में, कि कई बार कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में हिंदी मीडियम में पढ़ाई थोड़ा सा कठिन होती है, और उनके इस प्रकार के सवालों का जवाब इससे 2020 यूपीएससी के जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट ने दिया। मैं लगभग 2013 से ये बातें करते आ रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई अर्थ नहीं है। या मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात जब करता हूँ कि क्या किसी एक विषय को, खास करके जो सोशल साइंस है, मैं सोशल साइंस की बात करता हूँ कि सोशल साइंस में चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे फिलोसफी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, क्या इन विषयों की जब हम तैयारी करते हैं तो क्या इन विषयों में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से कोई फ़र्क आता है? मैं लगातार ये बात कहते रहा था, 2013 से ही मैं कह रहा हूँ, और कई छात्र हिंदी मीडियम में भी पास किए हैं, इंग्लिश मीडियम तो मेरे कई छात्र पास किए ही हैं। चूँकि मैं दोनों ही मीडियम में पढ़ाता हूँ, तो मैं लोगों को बार बार समझाने का प्रयास करता था कि हिंदी मीडियम में आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें चाहे इंग्लिश मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अधिकांश जो लोग पॉपुलर टीचर हैं, उन लोगों ने भी ये बातें कही कि नहीं नहीं एंथ्रोपोलॉजी हिंदी मीडियम में थोड़ी सी कठिनाई होती है। और मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और मैं लगातार हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में पढ़ाते रहा हूँ। लेकिन 2020 का जो रिज़ल्ट है, यूपीएससी 2020 का फाइनल रिजल्ट, राइट, तो ये फाइनल जो रिजल्ट है, इसमें हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट आया है और अदर ऑप्शनल में भी जो हिंदी मीडियम में परफॉर्मेंस किया है, तो जहां तक मेरी जानकारी है कि हिंदी मीडियम में हाईएस्ट मार्क्स जो है ये 273 आया है, ये ऑप्शनल की मैं बात कर रहा हूँ, और ये सारे ऑप्शनल की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम में अगर कोई भी आप ऑप्शनल रखते हैं तो उन सारे ऑप्शनल की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो हाईएस्ट मार्क 273 है, ये एंथ्रोपोलॉजी से आया, राइट, एंथ्रोपोलॉजी हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम में दूसरे विषय में भी, खास करके हिंदी साहित्य हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, हिस्ट्री हो, फिलोसफी, मुझे जो जानकारी है किसी अन्य विषय में 2020 का जो रिजल्ट है हिंदी मीडियम के छात्रों का, उनके ऑप्शनल पेपर में 273 से ही कम मार्क्स आए हैं। और एंथ्रोपोलॉजी में हिंदी मीडियम में जो हाईएस्ट मार्क्स है ये 273, जो कि सारे ऑप्शनल का हाईएस्ट मार्क्स है,
और ये जो मार्क्स है ये मेरे स्टूडेंट हैं प्रकाश कुमार चौधरी जो राजस्थान से हैं, उन्हें 378 रैंक प्राप्त हुआ है और वे हिंदी मीडियम से थे और उन्हें मार्क्स मिला है एंथ्रोपोलॉजी में 273। तो मैं ये बात कर रहा था कि कई लोग जो है हिंदी मीडियम के छात्रों को दिग्भ्रमित करते हैं ऑप्शनल के चयन के संदर्भ में, और जब छात्र उनसे बात करता है कि कौन सा ऑप्शनल लें तो एंथ्रोपोलॉजी का विकल्प जब सामने स्टूडेंट रखता है तो कई टीचर ये बात कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी हिंदी मीडियम में संभव नहीं है, राइट। मैं दिल्ली में 2013 से लगातार आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में एंथ्रोपोलॉजी का टीचिंग कर रहा हूँ, और इसके पहले मैं रांची में था। तो मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया भी और रांची से भी 2010 में एंथ्रोपोलॉजी हिंदी मीडियम में मेरे स्टूडेंट अनुज कुमार पांडे क्वालिफाई किए थे हिंदी मीडियम से एंथ्रोपोलॉजी से, और एक ऑप्शनल उनका हिस्ट्री था। दिल्ली में 2015 में नरेंद्र असेरी हिंदी मीडियम के छात्र पीटी क्वालिफाई करके मेरे पास आए और उसी साल वे फाइनली क्वालिफाई कर गए, आईआरएस हैं अभी और शायद राजस्थान के जयपुर में ही पोस्टिंग उनकी है। तो मैं लगातार ये बात कर रहा था कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, फ़र्क ये है कि जो कंटेंट है वो कंटेंट आप कैसा लिख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी में हिंदी मीडियम में कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप के पास से उस तरह के टीचर हैं जो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं और हिंदी में भी गाइड करें तो फिर कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं हो रहती है। क्योंकि मैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूँ वही कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ हिंदी मीडियम के छात्रों को। इसका परिणाम ये हुआ कि जैसा मैंने प्रकाश कुमार चौधरी के बारे में ही बात किया तो इन्हें 2017 में हिंदी मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी में 300 मार्क्स आई थी और ये फाइनली क्वालिफाई नहीं कर सके, इसलिए हम लोग इनके मार्क्स की चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि इनको इंटरव्यू में 129 नंबर था और इसलिए ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। और 2020 में 273 मार्क्स के साथ ये क्वालिफाई किए हैं एंथ्रोपोलॉजी हिंदी मीडियम से, जो कि ऑप्शनल हिंदी मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी का हाईएस्ट मार्क 273 है, और अदर ऑप्शनल में भी हाईएस्ट मार्क हिंदी मीडियम में ऑप्शनल में 273 ही है मेरी जानकारी के अनुरूप। तो पहला चीज़ तो ये है कि आप अपने दिमाग से ये बात को हटा दीजिए। कई लोग दिग्भ्रमित करेंगे कि हिंदी मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी उतना सहज नहीं है। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से एंथ्रोपोलॉजी में अगर ऑप्शनल को चयन करते हैं तो आपको मेरे साथ अगर जुड़ के काम करेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो एक तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, जो ऑप्शनल पेपर है यूपीएससी 2020 के, और इसके फर्स्ट जो पेपर है इसकी कुछ क्वेश्चन को लेकर के हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे एक काफ़ी स्टैंडर्ड आंसर आप लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने पहले भी कहा आपको कि जो यूपीएससी का मार्किंग पैटर्न है उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेकर जो भ्रम है उस भ्रम को एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ने काफ़ी हद तक तोड़ने का प्रयास किया है। और मेरी अपनी खुद की अवधारणा है कि अगर आप कंटेंट सही लिखते हैं, ठीक है, तो फिर आपको मीडियम के चलते कोई हार्म नहीं होता है, राइट। क्योंकि इस पर के रिजल्ट एक और यूनिक है कि अगर आप ऐसे पेपर को देखें तो कई हिंदी मीडियम के छात्रों को एसे में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम के छात्रों के
से भी बेहतर अंक एशिया में मिले हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो स्टडी के साथ साथ आंसर राइटिंग, हाउ टू राइट आंसर इन राइट वे, आप सही तरीके से आंसर कैसे लिखेंगे। और सही तरीके से आंसर लिखना केवल नॉलेज के बल पर संभव नहीं है, राइट। ये मैं पहले भी कहा करता था, इसके लिए स्किल चाहिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके अनुरूप पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये यूपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है नातूफियन संस्कृति, राइट। और इस पे हमें 150 शब्दों में लिखना है। कितने में लिखना है? 150 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। और आपको ध्यान इस बात का रखना है कि उसमें मैक्सिमम कंटेंट आ जाए, राइट। तो सबसे पहले जब आप इसके आंसर को लिखने जाएंगे तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, है ना। तो पहला चीज़ क्या करेंगे कि ये नातूफियन संस्कृति क्या है या इसका नामकरण नातूफियन संस्कृति के रूप में हम क्यों करते हैं, हमने क्यों इसे नातूफियन संस्कृति कहा। दूसरा जब आप इसके अंतर्गत बात करेंगे तो इसके उद्भव की बात करेंगे, ये कैसे ओरिजिनेट होता है, क्यों इसका उद्भव होता है, क्यों इसका इमर्जेंस होता है। और जब किसी संस्कृति का उद्भव होता है तो उस उद्भव को समझने के लिए हमें तकनीकी पर्यावरणिक संबंध, टेक्नो इन्वायरमेंटल रिलेशन को आपको समझना पड़ेगा, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर किसी संस्कृति का अध्ययन करते हैं, उसके ओरिजिन को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें उसका टेक्नो इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप समझना पड़ेगा। इसमें पॉइंट कुछ आपको देनी पड़ेगी। चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ की तकनीकी अनवेंशन, है ना, इसको बोलते हैं टेक्निकल इनोवेशन, राइट। थोड़ी सी अंग्रेजी के टर्मिनोलॉजी को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरा मानना है कि हिंदी में आप शब्दों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, राइट। एक और चीज़ दिखाई दे रहा कि हिंदी माध्यम से होने के बावजूद कई छात्रों को भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ नहीं है, हिंदी भाषा पर मैं बात कर रहा हूँ, और इसका खाम आपको मिल रहा है, राइट। तो एक तो तकनीकी अनवेंशन, टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल इनोवेशन इस समय क्या हुआ, और इसके बाद जो है आवासीय प्रतिरूप, है ना, सेटलमेंट पैटर्न, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेटलमेंट पैटर्न। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं भोजन प्रतिरूप, है ना, फूड पैटर्न, क्योंकि ये हम प्री हिस्ट्री के टाइम का ये चीज़ें है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। और फिर निरंतरता की बात करेंगे, आप कंटिन्यूटी की बात करेंगे, राइट। तो अगर 150 शब्दों में हमें लिखना है, ध्यान ये रखना है
कि आपको 150 शब्दों में लिखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप पे यूपीएससी के आंसर को लिखने का प्रयास करते हैं। तो इस चैलेंज को अगर आपको समझना है और उसके अनुरूप अगर आपको एक्ट करना है तो पॉइंटर में लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि नातुफियन संस्कृति हमको इंट्रोड्यूस करना है, इससे आंसर को इंट्रोड्यूस करना है, तो हम कैसे उसको लिखेंगे। तो पहले तो हम आपको चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कंटेंट क्या है, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जिनके पास इसको लेकर के एप्रोप्रिएट कंटेंट भी नहीं है, तो प्रॉब्लम कंटेंट का भी है। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट की बात करें। ये नातुफियन संस्कृति जो है इज़राइल में एक स्थल है वाडी इन नातूफ, राइट। इसको अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं कि नातुफियन संस्कृति का नामकरण इज़राइल के वाडी इन नातूफ नामक पूरा स्थल के आधार पर किया गया है, राइट। चूंकि देखो आर्कियोलॉजी में एक परंपरा है कि किसी भी पूरा स्थल से जब पहली बार एविडेंस मिलती है, डिस्कवरी होती है, तो उसको हम लोग उसके नाम पर उसका नामकरण करते हैं। जैसे आप देखोगे कि भारत में सिंधु सभ्यता का जो वैज्ञानिक नाम है वो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले 1921 में हड़प्पा में उत्खनन हुआ था और तब उसकी जानकारी हमें मिली थी। तो सब पहला जो आपकी लाइन होगी वो पहला लाइन होगी कि नातुफियन संस्कृति का नामकरण वाडी इन नातूफ नामक पुरास्थल के आधार पर किया गया है। यह संस्कृति, इसके बाद दूसरा जो लाइन आप उसमें देंगे, यह संस्कृति मध्य पूर्व, इसको पश्चिम एशिया भी कहते हैं, तो मध्य पूर्व में विकसित या पश्चिम एशिया में विकसित ईपी पेलियोलिथिक और मध्य पसान संस्कृति, ईपी पेलियोलिथिक भी आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि मध्य पसान जो संस्कृति है ये खास करके जो मध्य पूर्व में डेवलप होती है, जो पश्चिम एशिया यानी इसराइल में, जॉर्डन में, ईरान में, सीरिया में, इराक में, तो उसको ईपी पेलियोलिथिक संस्कृति बोलते हैं, है ना। उसका टेक्निकल नाम जो है वो है ईपी पेलियोलिथिक संस्कृति। अदर जगह जैसे इंडिया में उसके लिए मध्यपसान संस्कृति या यूरोप में मध्यपसान संस्कृति टर्म का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ टेक्निकल नाम जो है, यह टेक्निकल नाम क्या है कि ईपी पेलियोलिथिक। तो अगर आप इसे टर्म को यूज़ करते हैं तो आपको बेहतर मार्क्स मिलता है। देखो मार्क्स कंटेंट से मिल रहा, राइट, प्रेजेंटेशन के स्टाइल से मिल रहा, कम शब्दों में लिखना है, बहुत ही कम शब्दों में लिखना है, तो हमें एक एक लाइन पर हमें ध्यान देनी होती है और एक एक लाइन पर ध्यान दे करके हम आंसर लिख सकते हैं, तभी जा कर के हम सक्सेस होते हैं, हमें बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। तो दूसरा लाइन आप कहेंगे कि यह मध्य पूर्व के ईपी पेलियोलिथिक अथवा मध्यपसानिक संस्कृति का भाग है जो इज़राइल एवं जॉर्डन में विकसित हुई थी। ध्यान ये रखना कि जब आप बात करते हैं, इंट्रोडक्शन जब देते हैं किसी चीज, खास करके इस तरह के क्वेश्चन के, तो तीन बात मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट वाडी इन नातूफ की चर्चा करेंगे, सेकंड हम बात करेंगे इससे
संस्कृति की कि ये किससे बिलोंग करता है, तो ये ईपी पैलियोलिथिक जो टेक्निकल नाम है उस संस्कृति से बिलोंग करता है। और थर्ड बात करेंगे कि इसका विकास इज़राइल एवं जॉर्डन में हुआ था, यानी इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है खासकर नातूफियन संस्कृति का, ये इज़राइल एवं जॉर्डन में, राइट। इसके बाद आप बात करेंगे उद्भव का, ओरिजिन, इसका कैसे होता है, राइट। तो ओरिजिन को अगर आप समझने का प्रयास करें तो एक चीज़ ध्यान ये रखिए कि पैलियोलिथिक जो कल्चर है, जो कि इसके पहले है, वो डेवलप हुआ था प्रतिनूतन युग में, है ना। और ये जो एपिपैलियोलिथिक कल्चर या नातूफियन कल्चर जो डेवलप हो रहा है, ये नूतनतम युग में, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पर डेवलप हो रहा पूरा पसान संस्कृति, ठीक है, और यहाँ पर डेवलप हो रहा मध्य पसान या बाद में नौ पसान या वर्तमान में हम लोग इसी नूतनतम युग में हैं। तो इसका क्यों संदर्भ यहाँ पर देंगे, क्योंकि जो नातूफियन संस्कृति है जिसका विकास हो रहा है, तो इसका जो विकास हो रहा है ये विकास लगभग 11,000 बीपी में होता है, बिफोर पास्ट, आज से लगभग 11,000 बीपी में इसका विकास होता है। और इस समय प्रतिनूतन युग से नूतनतम युग में संक्रमण होता है, यानी ट्रांजिशन होता है पर्यावरण का, पारिस्थितिकी का, कि अब प्रतिनूतन युग समाप्त हो रहा और नूतनतम युग जो है आरंभ हो रहा है। और ये जो संक्रमण का टाइम है, इससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी और जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा, इसमें परिवर्तन हो रहा, ठीक है। तो क्या परिवर्तन हो रहा, ये हमें वहाँ पर इंडिकेट करना है, क्योंकि इसी परिवर्तन ने एपी पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक कल्चर के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो कि आप नातूफियन संस्कृति में देखते हैं, अदर जगह भी देखते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ कि प्रतिनूतन युग में हिमायन और बरसायन की प्रक्रिया थी, वो धीरे 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 स्लो होकर के नूतनतम युग में समाप्त हो रही है। तो नूतनतम युग में जब ये समाप्त हो रही है, तो अब क्या हुआ कि जलवायु जो अर्थ का है, पृथ्वी का जो जलवायु है, ये धीरे धीरे गर्म हो रही है। ध्यान ये रखना कि ये धीरे धीरे जलवायु गर्म हो रही है, और जब जलवायु गर्म हो रही है उसका इम्पैक्ट अर्थ पर पड़ता है। उसका इम्पैक्ट अर्थ पर क्या पड़ता है कि उसके कारण एक तरफ, चूँकि प्रतिनूतन युग में बर्फ़ की बारिश हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था, ग्लेशियर में बर्फ़ जमे हुए थे, तो गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, और ग्लेशियर पिघलते हैं तो इससे जो समुद्र का जलस्तर है वो बढ़ता है, ठीक है, नदियों का जलस्तर भी बढ़ता है, एक तो ये होता है। इसके कारण जो ये क्लाइमेटिक चेंज हुआ, गर्म एकाएक ठंडा से धीरे धीरे गर्म, तो कई जो स्पीसीज हैं अर्थ पर, एक तरफ उनका विलुप्त हो जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट कर जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, और कुछ नई प्रजाति एनिमल प्लांट का, उसका उद्भव होता है। और इसका नातूफियन संस्कृति के विकास में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो यहाँ पर हम बात करें नई प्रजातियों का उद्भव, नई स्पीसीज का उद्भव, तो देखो इसके पहले आप ये बात करोगे कि पूरी पुरापुसान काल में कोई भी
अनाज को उत्पन्न करने वाला प्लांट नहीं था, ठीक है, ग्रेन प्रोड्यूसिंग प्लांट ए प्रतिनूतन युग में इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इसमें जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है, जो नई प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो ये अनाज उत्पन्न करने वाले प्लांट, अनाज उत्पन्न करने वाले फसल, ये प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं, राइट। और ये प्राकृतिक रूप से जो फसल विकसित होते हैं, तो ये ना तो फिर संस्कृति के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है कि पहली बार अर्थ पर गेहूं, जौ, दाल, मटर जैसी फसलों का उद्भव होता है इस अर्थ पर, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से, इसके पहले ये चीज़ें नहीं थी, राइट। दूसरा चीज़ क्या होता है कि छोटे छोटे एनिमल्स का भी डेवलपमेंट होता है, इसी पीरियड में डेवलपमेंट होता है, और इसलिए एक नई पर्यावरणिक परिस्थिति का निर्माण होता है, पर्यावरणिक परिस्थिति की का निर्माण होता है, और इसी पर्यावरण पारिस्थितिकी के संदर्भ में जो न्यू टेक्नो इन्वायरमेंटल रिलेशन डेवलप होता है, जिसके फलस्वरूप नाथूफियन संस्कृति का उद्विकास होता है। कैसे उद्विकास होता है कि अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, राइट, कि ऐसी फसलों का अब उद्विकास होता है जिसमें अनाज उत्पन्न होंगे, तो एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि इसके पहले अर्थ पर अनाज उत्पन्न करने वाले फसल नहीं थे। तो अनाज उत्पन्न करने वाले फसल नहीं थे तो इसका मतलब था कि मनुष्य अनाज नहीं खाता था। अब क्या हुआ कि जैसे नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप में ये अनाज उत्पन्न करने वाले ग्रेन प्रोड्यूसिंग प्लांट का उद्विकास होता है, तो अब इस नए पर्यावरण से सामंजस्य करने के लिए मनुष्य उसका कलेक्शन शुरू करता है, संग्रहण करना शुरू करता है, और जो संग्रहण करने की प्रक्रिया होती है उससे नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जो उस समय का मनुष्य है वह नई पर्यावरण परिस्थिति के साथ अनुकूलन करता है, और अनुकूलन करने में हम जानते हैं कि तकनीकी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और चूंकि नई परिस्थितियां थी, नई पर्यावरणिक संबंध थे, नई जलवायु थी, तो उससे एडप्ट करने के लिए, एडप्टेशन करने के लिए, उससे अनुकूलन करने के लिए फिर नई टेक्नो इन्वायरमेंटल रिलेशंस का डेवलपमेंट होता है, जिससे कुछ नई तकनीकी का इनोवेशन होता है। ध्यान रखना कि नई तकनीकी आती है, आपको नवीन पर्यावरण के साथ अगर एडप्टेशन करना है तो एडप्टेशन का एक बहुत बड़ा टूल है टेक्नोलॉजी, ह्यूमन के लिए, खास करके संस्कृति जिसको आप कहते हैं। तो इस नई पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट किया, उसमें जो तकनीकी है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पहला तो ये उन्होंने किया कि परकसन फ्लेकिंग, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ इसको, हिंदी में इसका शब्द और भी थोड़ा सा कठोर होता है, थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप अंग्रेजी का टर्म भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो परकसन फ्लेकिंग का जो पैटर्न है, इसको हिंदी में कहते हैं संघात, सलकन, फ्लेकिंग का हिंदी होती है सलकन, संघात प्रभेदी। एक तो ये परकशन फ्लेकिंग
टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि इसके बल पर क्या डेवलप होता है, माइक्रोलिथ, ये सूक्ष्म पसान इसकी हिंदी कहते हैं, है ना, सूक्ष्म पसान इसको कहते हैं हिंदी में। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बो एंड एरो, हालांकि कई जगह उसका डेवलपमेंट पहले भी हो चुका था, लेकिन अब धनुष बाण का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग, ठीक है, धनुष बाण का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग। और धनुष बाण का जो अपेक्षाकृत अधिक उपयोग है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने क्या कहा कि नई टेक्नो इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है उसमें अब छोटे छोटे जीवों का शिकार करना, और छोटे छोटे जीवों का जब शिकार आप करने जाएंगे तो उनमें ज़्यादा गतिशीलता होती है। चूँकि उनमें ज़्यादा गतिशीलता होती है, इसलिए अगर आप उन जीवों का शिकार करते हैं तो धनुष बाण हमारा रिक्वायरमेंट हो गया। और चौथा चीज़ क्या हुआ कि यहाँ से आपका डोंगी का इस्तेमाल, वाटरक्राफ्ट। देखो, मैंने कहा कि जब भी आपका आइस पिघलता है, मेल्टिंग होता है, तो एक नया चीज़ ह्यूमन के फूड बिहेवियर में क्या आएगा, आगे हम बात करेंगे। अब मछली मारना और उसको खाना, ये शुरू करते हैं, राइट। तो मछली जो है या मैरिन प्रोडक्ट जो है, समुद्री जो खाद्य पदार्थ हैं या नदी के जो खाद्य पदार्थ हैं जिसमें घोंघा वगैरह भी आता है, ये मनुष्य को उपलब्ध हुआ। और इससे को प्राप्त करने के लिए एक तो टूल्स में हमने मछली के कांटे वगैरह का डेवलपमेंट किया माइक्रोलिथ के रूप में, और दूसरा वाटरक्राफ्ट यानी डोंगी का आविष्कार किया। इसके अलावा क्या हुआ कि चूँकि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप अनाज को कलेक्ट करेंगे, ये अभी जंगली अनाज हैं, नेचुरल रूप में वे ग्रो हुए हैं, लेकिन आप उसको कलेक्ट करेंगे तो कैसे खाएंगे, तो फिर उसको आप पत्थर से पीसेंगे, या तो पीस के खाएंगे या फिर आप भून के खाएंगे। तो इसके लिए भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जैसे कि होड़ा वगैरह गांव में खाया जाता है, गेहूं को के बाल को जब पकने से पहले यानी थोड़ा पकने के करीब होता है तो आप ये गाँव में देखेंगे, बिहार वगैरह के गाँव में, कि वो लोग होड़ा खाता है। तो संभवतः इस तरह की जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर आई, और इस तरह से ये जो तकनीकी ये जो डेवलप होता है, इस तकनीक के माध्यम से इस समय के जो लोग हैं वे अपने नवीन पर्यावरण के साथ, नवीन पारिस्थितिकी के साथ, नवीन जलवायु के साथ समायोजन करते हैं। अब देखिए, मैं डिटेल्स थोड़ा सा बताया हूँ, सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंट में इन चीज़ों को लिखेंगे कि ये चीज़ें हुआ। और इन चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ क्या मैंने यहाँ पर कहा है, आवासीय प्रतिरूप। तो देखो, आवासीय प्रतिरूप जो था, सेटलमेंट पैटर्न जो था, खास करके प्लीस्टोसीन एपोच में, तो केव में ही रहा करता था मनुष्य, राइट, केव में मनुष्य रहा करता था। ये जो नाथुफियन लोग हैं, ये नाथुफियन लोग आरंभिक समय में बात कर रहा हूँ कि अर्ली समय में ये माउंट कार्मेल, ये इज़राइल में है, ठीक है, अब इसकी गुफा में निवास करते थे पहले, जो कि हमने पहले ही बताया कि अगर पूरा पसान की बात करोगे तो लोग गुफा में ही निवास करते हैं। तो आरंभिक जो नाथुफियन पीपुल हैं वो गुफा में ही निवास करते थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने क्या किया कि माउंट कार्मेल का जो ढाल है, राइट, स्लोप है, उस स्लोप पर इन लोगों ने अपनी घर बनाई। तो घर जो ये बना रहे हैं, ये वृत्ताकार
गर्त में घर का निर्माण है ना, इसको सर्कुलर पिट करते हैं कहते हैं। अब ये घर कैसे बना रहे हैं कि इनका जो घर है सर्कुलर पिट तो है लेकिन आधा वो पिट जो है वो अर्थ के नीचे है और आधा अर्थ के ऊपर है। एक तो ये चीज़ें इन्होंने अपने सेटलमेंट पैटर्न में डेवलप किया। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ कि ये जो नातूफियन गांव है, जैसे इन गांव में 50 से के करीब घर भी मिला है जो नातूफियन संस्कृति के गांव हैं, तो उसमें एक तो शमशान है ना, सेमेट्रीज, ये विलेज सेमेट्रीज यानी गांव में जहां निवास से वहीं पर सेमेट्रीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इनके सेटलमेंट पैटर्न का। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप बात करें तो चूंकि मैंने कहा कि ये गेहूं, जौ, मटर, अदर प्रकार के दाल जो हैं उसको स्टोर करने की अब ज़रूरत पड़ी थी, और स्टोर के रूप में अभी भी ये यूज़ क्या करें ना तो फिर लोग खास करके क्या यूज़ कर रहे हैं कि अपने घरों में एक पत्थर से स्टोरेज भी बना रहे हैं है ना, स्टोन का स्टोरेज भी बना रहे हैं, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इनके कल्चर को समझने के लिए। और ये बड़े बड़े स्टोरेज हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने ये पाया है, आज भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों का मानना है कि जो इज़राइल का जो इलाका है उसमें आज भी क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से गेहूं जो इतने घने उत्पन्न होते हैं कि उसको देखने से लगता है कि लोग इसको एक तरह से उपजाता होगा, लेकिन उपजा नहीं रहा था लोग, वो प्रनेचुरल था, लेकिन इनके पास जो था कि अनाज जो था, जो नेचुरल प्रोडक्ट अनाज था उसको ये कलेक्ट करते थे, तो वो बहुत बड़ी मात्रा में आती थी, उसको कर भंडारण करने के लिए ये पत्थर के स्टोरेज हाउस भी बनाते हैं, राइट। और ये पत्थर के स्टोरेज हाउस जो बनाते हैं जिससे क्या होता है कि नवीन एक टेक्नोलॉजी भी बन रही है, ध्यान ये रखना है कि हाउसिंग जो पैटर्न है उसमें एक नई टेक्नोलॉजी भी है। तो इस तरह से आप इनके जो नातूफियन जो संस्कृति के लोग हैं इनके सेटलमेंट पैटर्न को देख सकते हैं। और यहाँ से इनके भोजन प्रतिरूप में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि भोजन प्रतिरूप में पहली बार जो है अनाज ग्रेन का समावेश होता है, और उस ग्रेन में गेहूं, जौ, मटर और अदर प्रकार के जो दाल हैं ये वहाँ पर मिलता है। दूसरा कि मछली का जो प्रोडक्ट है वो भी इनके भोजन में आता है, और तीसरा ये स्मॉल एनिमल हंटिंग भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भोजन प्रतिरूप में ये जो बदलाव है, यानी पहले आप अगर इसके पहले बात करेंगे तो हमारे जो एंसेस्टर थे वो मेनली मीट ईटर थे, वो मीठी खाते थे या रूट खाते थे, पौधों का रूट खाते थे या नट खाते थे। अब इन्होंने उसकी जगह अनाज की मात्रा को बढ़ा दिया, ठीक, अनाज की मात्रा इनके भोजन में बढ़ती है, और इसके कारण दो चीज़ें, एक तो पॉजिटिव ये है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है, जनसंख्या बढ़ती है, और जनसंख्या बढ़ती है तो सामाजिक जटिलता भी बढ़ती है, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है उसके चलते। लेकिन दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि मीट की जो मात्रा कम होती है इनके भोजन में, तो इनकी जो स्टडी किया गया है बोन और टूथ का, तो उसमें पाया गया है कि पहली बार न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से भी ये लोग ग्रसित होते हैं, और उसमें साइन है इनके दांतों को देखने से लग रहा है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के शिकार हैं, और इनके जो कंकाल हैं उसका एनालिसिस करने पर आर्कियोलॉजिस्ट पाते हैं कि इनकी हाइट कम हो रही, जो कि नेगेटिव है। और पॉजिटिव में क्या है कि इनकी जनसंख्या बढ़ी है जिससे सामाजिक जटिलता बढ़ी है। सोशल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है
कि अब समाज जो पहले था पूरी तरह समतावादी था, अब उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा, और ये मृतक संस्कार से भी दिखाई दे रहा कि इनकी जो स्वाधान है, शव को जो कब्र में रखते हैं, उसमें दिखाई दे रहा कि कुछ जो शव हैं जो कि लीडर का हो सकता है, तो उसके साथ जो है ऑर्नामेंट्स हैं और बहुमूल्य वस्तुएं रखी हुई है, और इन जनरल में नहीं रखी हुई है। तो इससे हमें एक और चीज़ मिलता है कि सोशल कॉम्प्लेक्सिटी का डेवलपमेंट यहाँ होता है, और इस तरह से नाथूपियन संस्कृति में इन चीज़ों का डेवलपमेंट तो होता ही है। इसके बाद अगर बात करें कि आपको जो बात करनी है उसमें निरंतरता की बात करनी है कि इसकी कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी पर आपको फोकस करना है, क्योंकि नाथूपियन जो संस्कृति है, ये नाथूपियन संस्कृति का कंटिन्यूटी इज़राइल जॉर्डन के क्षेत्र में न्यूलिथिक कल्चर में भी दिखाई देता है, क्योंकि ये एक तरह से उस एरिया में जो नौपसान संस्कृति का डेवलपमेंट होता है, तो उसके विकास के लिए आधारभूत आधार का निर्माण जो है इन्हीं लोगों ने किया। बाद में जा कर के खाद्य संकलन अर्थव्यवस्था से खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में संस्कृति का इसका फॉर्मेशन होता है, जिससे वहाँ पर नौपसानिक संस्कृति का विकास होता है। अब देखिए कि इतनी चीज़ें की चर्चा हम लोग ने की, तो अगर आपको आंसर लिखना है खास करके 150 शब्दों में, तो ध्यान ये रखना है कि आप इससे इंट्रोडक्शन देंगे, या तो पॉइंटर भी बना सकते हैं, और इंट्रोडक्शन तो आप ये लैंग्वेज में ही लिख देंगे कि नाथूपियन संस्कृति का नामकरण इज़राइल में अवस्थित बाडी इन नाथूफ नामक पुरस्थल के आधार पर किया गया है, जहाँ से इस संस्कृति के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले, और यह संस्कृति ईपी पेलियोलिथिक या मेजोलिथिक संस्कृति का भाग रहा है, और इसका विकास जो है इज़राइल में जॉर्डन में हुआ। इसके बाद आप ओरिजिन पर बात करेंगे, जैसा कि हमने चर्चा किया, दो तीन पॉइंट ओरिजिन के बारे में देंगे कि किस प्रकार से जो संक्रमण हो रहा है प्रतिनूतन युग से नूतनतम युग में, और उससे पर्यावरण पारिस्थितिकी और जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा, और उससे जो नवीन पौधों का और पशुओं का एनिमल का जो उद्विकास हो रहा, उसने इनके समक्ष एक नई पर्यावरण पारिस्थितिकी का निर्माण किया, जिसके साथ एडॉप्टेशन करने के क्रम में इन्होंने नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया, और फिर टेक्नोलॉजी को अब बताएंगे, और उसके बाद अब बताएंगे कि इनके जो आवासीय प्रतिरूप है, जो सेटलमेंट पैटर्न है, उसमें ये चीज़ें दिखाई देती है, फिर भोजन प्रतिरूप में चेंज होता है, और उसके चलते सोशल कॉम्प्लेक्सिटी का विकास होता है, और लास्ट में बताएंगे कि इस संस्कृति की निरंतरता बाद के दिनों में भी दिखाई देती है, क्योंकि नाथूपियन संस्कृति का मध्य पूर्व में जो नौपसानिक संस्कृति का विकास होता है, उसके उद्विकास में बहुत बड़ी भूमिका है, और इस तरह से आप अपने शॉर्ट नोट्स को लिख सकते हैं, राइट?